मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को साधने के लिए लाडली बहना योजना लागू की तो इसके जवाब में कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना लागू कर दी थी। लाडली बहना योजना के माध्यम से जहां मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह देने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना के माध्यम से सरकार बनने के बाद महिलाओं को 1,500 रुपये देने का वादा कर दिया है। ऐसे में इन दोनों योजनाओं के माध्यम से कांग्रेस और बीजेपी के बीच जंग छिड़ गई है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के रेहली विधानसभा क्षेत्र से सामने आया है, जहां इन दोनों एक पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कथित रूप से इस पर्चे को भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा द्वारा जारी किया गया है। पर्चे के मुताबिक ऐसी महिलाएं जिन्होंने कांग्रेस की नारी सम्मान योजना का पंजीयन करा दिया है, उन्हें मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस पर्चे के वायरल होते ही कई महिलाएं चिंतित हैं, क्योंकि उन्होंने लाडली बहना योजना में पंजीयन करा रखा है। उधर इस पर्चे के वायरल होने के बाद सियासी तलवारें भी खिंच गई हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी घिनौने स्तर पर उतर आई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से सौरभ हजारी ने कहा कि भाजपा बौखला गई है और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार जाने वाली है, इसलिए बौखला कर ऐसे पर्चे वायरल कराए जा रहे हैं। देखिए, हम लोग पिछले एक हफ्ते से कांग्रेस के द्वारा जो नारी सम्मान योजना लागू सरकार बनने पे लागू करने की जो योजना है, उसके तहत हम लोग महिलाओं के बीच में जाकर उनके आवेदन पंजीयन करा रहे हैं। और जितना उत्साह देखने मिल रहा है, उससे घबरा कर भाजपा महिला मोर्चा हो या पूरी भाजपा हो, बेतहाशा वो घबरा गई है। और उनकी लाडली लक्ष्मी योजना से ज़्यादा बेहतर हमारी नारी सम्मान योजना है। उनकी लाडली लक्ष्मी योजना में बहुत से लाडली बहना योजना है, जो उसमें बहुत से उनके क्राइटेरिया हैं, जबकि नारी सम्मान योजना में कोई क्राइटेरिया नहीं है। 18 साल की उम्र से लेकर 80 साल, 90 साल, 100 साल की भी वृद्ध महिला है तो वो सम्मान पाने के हकदार है, चाहे वो उसको पेंशन मिल रही हो, चाहे उसके नाम पर जमीन हो, ये कोई भी क्राइटेरिया उसमें नहीं है। तो निधि भी ज़्यादा है जी, इनकी 1,000 है, उसकी 1,500 है।